पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है। और काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। पग पग तो तेरी खाई चला नहीं जाता है। काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है। काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। आज भैया तारा से जितने शब्द कहे तो पुत्र रोहिता से कहा थोड़ी दूर काशी नगरिया रह गई, चलो अभी पहुंच रहे हैं। धीरज बंधाई चलते चले गए, चलते चले गए। मैया तारा बोली अब हम पर भी नहीं चला जा रहा है। पैरन में छाले पड़ गए, पिया अब नहीं चला जा रहा है। पुत्र को देखा, पुत्र गैर होश होकर के जमीन पर गिर गया। पुत्र गैर होश होकर के जमीन पर गिरा। मैया रोने लगी, पिया पिया मेरा लाला मर जाएगा, एक ही बेटा है, मेरी गोदी खाली कर जाएगा, मेरा लाला मर जाएगा। वो मां बोली है कि मात मेरी होई गोद खाली और प्यासन मरी रोए। पुत्र को जैसे ही विश्वामित्र ने देखा तो भाग करके गए कमंडल में जल लाए। जवाब दिया हरिचंद्र लो चल ले पानी पी लो। हरिचंद्र ने मना कर दिया, जब तक हमारा शासन है तब तक मैं पानी देख नहीं सकता।
तारा के पास पहुंचे, तारा ने मना कर दिया। विश्वामित्र बोले खाओगे नहीं पियोगे नहीं चलेगो नहीं, हरिचंद्र अगर मना कर दो तो सुनो मैं तुम्हारा राज्य दे जाएंगे। अगर राज्य का दुख है, जबापतिया ऋषिवर दुख नहीं है, बालक है, गैरोस हो गया, उसे होश आ जाएगा, अभी चलने लगेंगे। तारा ने साड़ी की हवा की, पुत्र को होश आया, चलने लगा। चलते चले गए, चलते चले गए, काशी नगरिया में पहुंचे हैं। काशी नगरिया में जिस समय पहुंचे हैं, आवाज लगा रहे हैं, तीन प्राणी खड़े हैं, जो भी अगर लेना चाहते हो वो आ जाएं, कीमत में कोई अंतर नहीं है, उम्र में अंतर हो सकता है। आवाज लगाई, कोई नहीं आया लेने। जब कोई आया नहीं लेने, विश्वामित्र बोले हरिचंद्र कहिएगा अब तुम्हें कोई लेने नहीं आ रहा है, 60 बार सोना तुम कैसे दोगे? दो हाथ जोड़े, बाबा जी एक बार और आवाज लगा दो। तो विश्वामित्र एक बार आवाज और लगाने लगे कि बकासी बीच नगरिया आज इस समय मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही महाराज हरिचंद्र के सामने एक कालू नाम का मेहतर आ गया, एक ब्राह्मण देव आया, विचार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या क्या कीमत है, तो बताया है विश्वामित्र ने बीस बार बेटा बजरिया में जो बजरिया में गंगा भैया।
मालिनो बेटा बन।